किचन ऑन अवर चैनल 1% डेली। पिछले कुछ 20 दिनों से हम लगातार हमारे भारत में सांप्रदायिक हिंसा यानी कम्युनल वायलेंस के केसेस सुन रहे हैं कि आज यहाँ पे दंगे हुए, आज यहाँ पे दंगे हुए, चाहे वो दिल्ली में जहांगीरपुरी हो, राजस्थान में करौली हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल, हर जगह आज के टाइम पे भारत के हर कोने में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। भारत के हर कोने के लोग सांप्रदायिक नफरत की आग में जल रहे हैं। पर क्या ये दिक्कत सिर्फ इन पिछले 20 दिनों की है? जी नहीं, ये दिक्कत पिछले 75 वर्षों की है। 1947 से 2022 इन 75 वर्षों में बहुत कुछ बदला, लेकिन भारत में सांप्रदायिक नफरत और सांप्रदायिक हिंसा अभी तक वही की वही है। बल्कि आज के टाइम पे भारत बुरी तरीके से सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी ने अपने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जमा किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक कुल 3,400 सांप्रदायिक हिंसा के केसेस हुए हैं। 3,400। पर हम हमेशा ये बात तो कर लेते हैं कि आज इस सांप्रदायिक हिंसा में कौन से धर्म ने कौन से धर्म को मारा, कौन से धर्म ने दंगे करे, पुलिसमैन ने किसको मारा, क्या हुआ, क्या डिबेट है, कौन से पॉलिटिकल लीडर ने कौन से धर्म का सपोर्ट करा। लेकिन हम कभी ये बात नहीं करते कि इस पूरे सांप्रदायिक हिंसा में या पूरी सांप्रदायिक नफरत का जो वजह है वो क्या है, या हम इनको कैसे रोक सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, हाउ टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिहाइंड कम्युनल वायलेंस इन इंडिया। लेकिन ये बात करने से पहले हमें ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना होगा कि सांप्रदायिक हिंसा कोई एक विशेष धर्म के लोग नहीं करते, या सांप्रदायिक हिंसा किसी सिर्फ एक धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है। अब हमें ये बात करनी है कि वजह क्या है इस सांप्रदायिक हिंसा का। तो मेन चार वजह उठ के आती है। इसमें सबसे पहली वजह होती है कि आज भी 21वीं सदी में भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सांप्रदायिक मानसिकता है, कम्युनल मेंटेलिटी है, क्योंकि आज भी हम ये सोचते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे धर्म के लोग हमारे बराबर के नहीं हैं, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हमें हमारे धर्म को बचाना है क्योंकि सामने वाले धर्म के लोग इंसान ही नहीं है। इसके बाद दूसरी वजह आती है कि अगर मेरे मस्जिद या फिर मेरे मंदिर के बाहर मेरे अपने लोग डंडा लेके खड़े होंगे तो मैं बिना कुछ सोचे उनके साथ चली जाऊंगी, ये सोचकर कि वो मेरे धर्म को बचाएंगे, वो मेरी धर्म की प्रभुता को बचाएंगे। इसके बाद तीसरा रीजन आता है राजनीति, पॉलिटिक्स, और ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। आज हर 90% लीडर्स, नेता, पार्टीज धर्म के नाम पर हमसे वोट बटोरते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि भारत का साक्षरता दर कितना है, भारत का हेल्थ सिस्टम कैसा है। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी करके हमसे वोट लेते हैं और हम वोट दे देते हैं। इसके बाद चौथा रीजन आता है मीडिया। मीडिया में हम भी आते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं। जर्नलिस्ट, एंकर्स, एडिटर्स, आर्टिकल राइटर्स सब मीडिया का पार्ट है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर, सारे मीडिया चैनल, सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स अपने चैनल्स पर, अपने पेज पे कम्युनल वायलेंस के केसेस को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि वो लोगों के अंदर सांप्रदायिक नफरत पैदा करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदार हम लोग, हमारा मीडिया भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, बट इन प्रॉब्लम्स का हम क्या करें। इन प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रख के जरूरत है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, कि क्या चीज हम कर सकते हैं कि कम्युनल वायलेंस से भारत बाहर निकले। सबसे पहली चीज आती है कि इन सबको रोकने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है
कि हमें अपने भारतीयों में लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए, साक्षरता दर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो हमें समझ आएगा कि हम सब पहले भारतीय हैं, ना कि हिंदू या मुस्लिम। हमें समझ आएगा कि हिंदू मुस्लिम से बढ़कर एजुकेशन सिस्टम आता है और हेल्थ सिस्टम आता है। इसके बाद ही अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। अगर लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा तो जो लोग हैं वो अपनी बेरोजगार तंग जिंदगी से बाहर आएंगे, फ्रस्ट्रेट जिंदगी से बाहर आएंगे और दंगों में हिस्सा लेना बंद करेंगे। और जब हमारा इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, हमारा साक्षरता दर अच्छा होगा, तो हम हमारे भारत की राजनीति की हवा भी बदलेंगे। आज हमारे यहाँ पे सारे नेता हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़े लिखे होंगे हम उन्हें कहेंगे कि अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तुम बात करो एजुकेशन सिस्टम की, हेल्थ सिस्टम की, गरीबों की हालत की, फार्मर्स की, रूरल इंडिया की, तो तुम्हें कुर्सी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुझे बस इतना ही कहना है कि अब जरूरत है कि हम सब हिंदू मुस्लिम को छोड़कर भारतीय होने का फर्ज निभाएं, क्योंकि अगर ये टाइम आ चुका है कि हमें अपने भारत को इस सांप्रदायिक हिंसा की आग से बाहर निकालना होगा। बहुत बन लिए हिंदू मुस्लिम, अब भारतीय बन के दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।